बांसूर के गांव भूपसेड़ा में युवाओं ने अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर रक्षा मंत्री को खून से पत्र लिखा है तथा अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग की है। युवाओं ने बताया कि अलवर जिले में पिछले 4 साल से सेना की भर्ती नहीं हो रही, जिससे युवा वंचित हो रहे हैं तथा युवाओं में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसको लेकर गाँव के युवाओं ने रक्षा मंत्री को खून से पत्र लिखा है तथा रक्षा मंत्री से सेना भर्ती की मांग की है। वहीं रक्षा मंत्री ने से अहिर रेजिमेंट बनाने की भी मांग करते हुए युवाओं ने विरोध प्रदर्शन भी जताया। युवाओं का कहना है कि पिछले काफी समय से अलवर जिले में किसी भी प्रकार की सेना की कोई भी भर्ती नहीं हुई, जिसको लेकर कई बार युवाओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया तथा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सरकार युवाओं की ओर ध्यान नहीं दे रही। इस दौरान युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। गौरतलब यह है कि गांव से युवा सेना भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से सेना भर्ती अभी तक नहीं निकली गई है, जिससे युवा वंचित हो रहे हैं तथा युवाओं का कहना है कि सेना भर्ती नहीं होने के कारण उनमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर युवा पीढ़ी इधर उधर भटक रही है। वहीं युवाओं ने भारत के देश की रक्षा के जुनून को लेकर कहा कि सेना भर्ती नहीं होने के कारण युवा उससे वंचित रह रहे हैं। ग्राम पंचायत भूपसेड़ा में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर के एक बोर्ड लगाया गया। समाज की मांग है कि समाज ने वीरता और बलिदान का परिचय दिया है, सरकार इसको सम्मान प्रदान करे और अहिर रेजिमेंट का निर्माण करे। इसके लिए समस्त युवाओं ने आज खून से पत्र लिख करके माननीय रक्षा मंत्री को सेना में भर्ती करने और अहिर रेजिमेंट की निर्माण की मांग की है। हमारी सरकार से अपील है कि सरकार समाज की इस मांग पर अपना सकारात्मक रुख दिखाए और जल्द से जल्द सेना में भर्ती करे और अहिर रेजिमेंट का गठन कर समाज के बलिदान को सम्मान प्रदान करे।